यूपी के शाहजहांपुर में एक मस्जिद में कुरान जलाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला चौक कोतवाली का है। वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान ताज मोहम्मद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक का डॉक्टर से जाँच कराकर छानबीन की, जिसका खुलासा आईजी ने एक प्रेस वार्ता में किया है। 2 से 3 बजे की बात है और यहाँ पे एक हाफिज जी थे, वो ऊपर थे। करीब 3:30 बजे के बाद में मेरे पास में फ़ोन पहुँचा कि हाफिज जी जल्दी आइए और ये बात हो गई है मस्जिद में। तो हम जब आए तो मैंने देखा कि बीच वाला जो दर है यहाँ पे चप्पलें रखी हुई थी। फिर उसके बाद में जब मैं अंदर आया तो यहाँ पे फारूक चचा थे, वो संभाल रहे थे, यानी जली हुए जो कुरान पाक थे उनको संभाल रहे थे, देख रहे थे। और यहाँ पे जो दूसरे हाफिज जी थे वो भी देख रहे थे और संभाल रहे थे, तरतीब से रख रहे थे। फिर उसके बाद में जब मैंने देखा तो फौरन फिर हमने हसीन मियाँ भाई उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में उनका किस तरीके से, तो सुपर ऑटो के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे गए तो उनको बताए, तो उन्होंने फिलहाल जो रिकॉर्डिंग थी पिछली निकाली। निकालने के बाद में फिर वहाँ पे और भी लोग आ गए, मोहल्ले के लोग, पूरा हुजूम हो गया, इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में फिर उस कैमरे में उसकी तस्वीर भी आ गई। किसकी? वो जो शख्स आया था करीब 2 से 3 बजे के बीच में, जो शख्स आया उसकी तस्वीर भी आ गई। और मैं अपना घर भी नहीं इस समय ढूंढ पा रहा हूँ, मेरा घर कहाँ है मुझे मालूम नहीं। उसके बाद वो चला गया। ये सूचना जब इन्होंने, फरहान ने और दानिश ने दी और पुलिस तक पहुँची, सभी टीमें घूमती हुई उनको ढूंढती हुई गई। मोहल्ला हद्दफ के पास में ही, थाना सदर बाजार में ही बाड़ूजई मोहल्ला है सटा हुआ। बाड़ूजई मोहल्ले के अंदर जब टीमें अलग अलग एरिया में, बहुत सारी टीम्स खोज रही थी, तब बाड़ूजई मोहल्ले में ये व्यक्ति मिला, जो CCTV फुटेजेस में कपड़े पहने हुए थे, जो लोअर था विशेषकर फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का सेम लोअर पहने हुए व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति को फिर लेके आए, पूछताछ की गई। उसका नाम ताज मोहम्मद, सन ऑफ यूसुफ, बाड़ूजई मोहल्ला, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर है। इस व्यक्ति को फिर दुकान के ही फरहान और दानिश खान, इन दोनों के द्वारा भी उनकी शिनाख्त की गई। CCTV फुटेज